इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी के अंदर सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट है एक टॉपिक के साथ जिसका नाम है हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन या स्ट्रेस इज सम कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। इसका ग्राफ प्लॉट करने को आ जाए तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का लीनियर ग्राफ है। इसके अंदर स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तीन किस्म के स्ट्रेन है, पहला लेंथ में, अगर हमने हमारे पास लेंथ एल है और हमने इसको इंक्रीज कर दिया बाय डेल्टा एल, तो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ क्या है, डेल्टा एल बाय एल, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर हम एक चीज को दबा दें और वॉल्यूम चेंज कर दें बाय डेल्टा वी, तो डेल्टा वी बाय वी को क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर एक रॉड खड़ी हुई है, इसको चेंज मतलब इसको शिफ्ट कर दें बाय एंगल ऑफ थीटा, टेढ़ा कर दें, इसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेन थीटा। तो स्ट्रेन तीन किस्म के हैं। नेक्स्ट है, क्योंकि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है, तो ये कॉन्स्टेंट तीन किस्म का है। पहला यंग्स मॉडुलस, यंग मॉडुलस बेसिकली क्या है, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। लेंथ के अंदर अगर स्ट्रेन है तो यंग मॉडुलस यूज होगा। नेक्स्ट है बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस के या बी से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन प्रेशर बाय माइनस डेल्टा बी वी बाय वी, ये फॉर्मूला याद रखना है। शेयर मॉडुलस में या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में फोर्स बाय एरिया स्ट्रेस है और स्ट्रेन इसमें क्या है, थीटा, तो ये इसका शेयर स्ट्रेन है। नेक्स्ट है टॉपिक आएगा वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर। तो एक इलास्टिक वायर है जिसकी लेंथ एल है, आपने इसको स्मॉल एल खींच दिया बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ एफ, तो आपने कितना वर्क डन किया। तो इसमें सबसे पहले वाई का फॉर्मूला लिखें, फोर्स बाय एरिया स्मॉल एल बाय कैपिटल एल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाल लें। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना करना पड़ेगा इसको खींचने के लिए, एफ इंटू डी एल। इस एफ की पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट करें और इंटीग्रेट करें जीरो से एल तक, तो आपके पास वर्क डन की टोटल वैल्यू आएगी एल स्क्वायर बाय टू, तो ये टर्म आ जाएगी। एल स्क्वायर को लिखें एल इंटू एल, ये पूरी टर्म फोर्स है, तो ये आंसर आ गया हाफ इंटू एफ इंटू एल, हाफ इंटू फोर्स अप्लाइड इंटू एक्सपेंशन प्रोड्यूस्ड। ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, वर्क डन की, वर्क डन की या एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर के अंदर। इसके अंदर दोनों साइड से वॉल्यूम ऑफ वायर से डिवाइड करें एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, तो आपके पास आ जाएगा वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। फोर्स बाय एरिया क्या है, स्ट्रेस, स्मॉल एल बाय एल क्या है, स्ट्रेन। तो फॉर्मूला आ गया वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये फॉर्मूला याद करना, ये ग्राफ अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कैलकुलेट इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ अ ब्रास बार ऑफ लेंथ गिवन एरिया गिवन, लेंथ गिवन है एरिया गिवन है, कितनी एनर्जी लगेगी इसको खींचने के लिए या कितना वर्क डन लगेगा इस वायर को खींचने के लिए, आपको निकालना है व्हेन कंप्रेस्ड बाय अ लोड ऑफ 5 kg वेट अबाउट इट्स लेंथ। तो आपको फोर्स पता है, 5 kg वेट को 9.8 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन निकाल लेना, एरिया और लेंथ भी पता है, आपको ये बताना है कितनी एनर्जी स्टोर होगी वायर को खींचने में या कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। अब प्रॉब्लम यह है कि आपको फोर्स तो पता है, 5 kg वेट 9.8 से मल्टीप्लाई करके फोर्स तो पता है, आपको डेल्टा एल नहीं पता। तो आप एक काम करें, यंग्स का फॉर्मूला लगाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा एल निकाल लें, इस डेल्टा एल को यहाँ पुट करके वैल्यूज को पुट करें, फोर्स लेंथ वाई और ए पता है, यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, एनर्जी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है इसमें, जैसे सपोज हाँ स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस और स्ट्रेन के ग्राफ के बारे में आपको स्टेजेस मार्क करनी है कि इसी इलास्टिक वायर को जब हम खींचते हैं तो कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं खींचते हुए, ये आपको डिस्कस करना है। जैसे जब आप एक इलास्टिक वायर को खींचते हैं तो शुरू शुरू में स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, तो आपने मेंशन करना है, ये ग्राफ बनाना है कि ओ से लेके ए तक स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, हुक्स लॉ एप्लीकेबल है। फिर आप थोड़ा सा और खींचते हैं ए से भी, हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, तो वो ग्राफ लीनियर नहीं रहेगा। फिर आप और खींचते हैं तो आप इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि अब आप और खींचेंगे तो इलास्टिक वायर आपकी लूज हो जाएगी, तो इसका मतलब बी को क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट है, ये यील्ड पॉइंट बोलते हैं। फिर आप सी तक खींचते हैं, आप इसको वापस छोड़ेंगे तो आपका रबर बैंड या इलास्टिक वायर लूज हो जाएगी, आप छोड़ते हैं तो इसमें परमानेंट स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा, वो परमानेंटली लूज हो जाएगी क्योंकि आपने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करवा दिया। फिर आप और खींचते हैं, अब वो इतनी पतली हो चुकी है वायर कि वो प्लास्टिक नेचर की है, प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रही है और अल्टीमेटली वो फ्रैक्चर हो जाएगी और वो ब्रेक हो जाएगी, बात खत्म। इन स्टेजेस को आपने डिस्कस कर देना है डायग्राम के साथ जब वो कहेगा स्ट्रेस और स्ट्रेन को प्लॉट करो। नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन वाला सारा पार्ट,
लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है, वो आपने फॉलो करने हैं, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। जैसे लेंथ ऑफ वायर एल वन है जब फोर्स वायर में टी वन है, लेंथ एल टू है जब फोर्स टी टू है, ओरिजिनल लेंथ बताओ वायर की क्या होगी। वायर का मटीरियल क्योंकि चेंज नहीं है तो वाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, तो एल ओरिजिनल लेंथ है तो वाई की वैल्यू क्या होगी, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल। एल ओरिजिनल लेंथ है जो निकालनी है। दूसरे केस में फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, क्योंकि वाई सेम है दोनों को इक्वेट कर लिया। इक्वेट करके डेल्टा एल वन क्या है, ओरिजिनल जो नई लेंथ है अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल टू क्या है, एल टू माइनस एल। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एल की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये इस क्वेश्चन को ऐसे करना है आपने सॉल्व। नेक्स्ट है, ये कॉम्पिटिशन है, ये वाला क्वेश्चन आता है कौन ज्यादा इलास्टिक है, स्टील या रबर। तो आपने बोलना है रबर ज्यादा इलास्टिक है, नहीं बोलना सॉरी स्टील ज्यादा इलास्टिक है, ये बोलना है। स्टील इलास्टिक क्यों है वो पूछेगा, आपने बोलना है कि स्टील का यंग मॉडुलस बड़ा है एज कम्पेयर टू रबर। अगर एक नंबर में आता है फिर तो ठीक है, बात खत्म है। अगर दो नंबर में आता है एक्सप्लेन करो और ज्यादा, तो एक काम करना वाई का फॉर्मूला लिख देना, लिखना कि मैंने स्टील और रबर को लिया तो एफ एल और एरिया तीनों में सेम रखा, तो यंग मॉडुलस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, इंक्रीज इन लेंथ है। जब रबर बैंड को खींचा जाएगा तो डेल्टा एल बड़ा होगा, डेल्टा एल रबर का बड़ा होगा तो वाई उसका छोटा होगा, इसलिए रबर कम इलास्टिक है। स्टील का वाई ज्यादा आएगा तो वो ज्यादा इलास्टिक है। नेक्स्ट है, इसमें वो ये ऐसा कोई क्वेश्चन देगा जिसमें एक वायर लगी हुई है ऐसी, एक वायर लगी हुई है ऐसी, एक स्टील और एक ग्लास। वो कहेगा दो वेट लटका दिए, डेल्टा एल बोलो क्या होगा इसका और इसका। तो इसका डेल्टा एल निकालने के लिए यंग मॉडुलस लगाना पड़ेगा, उसमें डेल्टा एल आएगा, वाई दोनों का गिवन है आपको, ऐसे इसमें वाई का फॉर्मूला लगाना है। प्रॉब्लम ये है कि जब वाई का फॉर्मूला लगेगा इसमें फोर्स क्या अप्लाई करेंगे, इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे 4 प्लस 6 10 के जी इंटू जी 10 जी, और इसमें फोर्स क्या अप्लाई करेंगे 6 जी। बस ये याद रखना, एक में 10 जी एक में 6 जी, बाकी तो यंग्स के फॉर्मूले से डेल्टा एल आ ही जाएगा। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कॉम्पिटिशन वाला पार्ट है सारा। ऑब्जेक्टिव के लिए ठीक है, अगर दो इलास्टिक वायर पैरेलल में है तो यंग मॉडुलस वाई वन प्लस वाई बाई टू, और अगर सीरीज में है तो टू वाई वन वाई टू बाई वाई वन प्लस वाई टू। तो ये नहीं करना आपने, कॉम्पिटिशन है। नेक्स्ट है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या है, डेल्टा पी बाई डेल्टा वी बाई वी विद नेगेटिव साइन। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है, अगर एक लिक्विड है यहाँ तक, लिक्विड की हाइट अगर एच है तो फ्लोर के ऊपर प्रेशर क्या लग रहा है, एच रो जी, या चेंज इन प्रेशर क्या है दोनों पॉइंट्स में, एच रो जी। नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ द मीडियम इज चेंज फ्रॉम इतने पास्कल टू इतने पास्कल, तो यहाँ से माइनस करके डेल्टा पी आ जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम का परसेंटेज गिवन है, यानी कि डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू गिवन है। क्या निकालना है आपको, बल्क मॉडुलस निकालना है, फॉर्म में वैल्यू पुट करके आंसर आएगा, नेगेटिव मत लगाना क्योंकि बल्क मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होता, मॉड लगा के आंसर निकाल देना आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है इसमें। जैसे नेक्स्ट है, जैसे ये रहा अफेक्ट ऑफ कंप्रेशन ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेरिवेशन टाइप चीज है ये, थोड़ी कम आती है पर भी बता देता हूँ क्या करना है। कि जब आप किसी भी चीज को कंप्रेस करते हो, लिक्विड को कंप्रेस करोगे नीचे जाके, बल्क मॉडुलस की एप्लीकेशन है, उसका वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा मास तो चेंज होगा नहीं, तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो डेंसिटी कैसे बढ़ेगी ये क्वेश्चन है। तो इसके अंदर डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो आप यहाँ पे इसको एरर का रूल लगाओ, डेल्टा रो बाय रो, मास तो कांस्टेंट है, माइनस डेल्टा वी बाय वी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा वी बाय वी नेगेटिव इधर आ गया फर्स्ट इक्वेशन। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लिखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा वी बाय वी निकालें, डेल्टा वी बाय वी ये भी है, डेल्टा वी बाय वी ये भी है, इन दोनों को इक्वेट कर दिया तो आपके पास ये टर्म आ गई। डेल्टा रो क्या है, नई डेंसिटी माइनस पुरानी डेंसिटी, रो बाय रो वन है, रो डैश बाय रो है, तो यहाँ से वन राइट साइड पे चला गया, रो डैश की वैल्यू आ गई, तो ये फॉर्मूला आ गया नई डेंसिटी का एज कम्पेयर टू पुरानी डेंसिटी। वन बाय के बल्क मॉडुलस को सी बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। डेरिवेशन या न्यूमेरिकल आ सकता है, चांस कम है लेकिन फिर भी एक बार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, ईटा का फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल। तो इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जैसे वो आपको एक फ्रेम देगा, वो फ्रेम को आपने ऐसी फोर्स लगाई टेंजेंशियल और ये फ्रेम टेढ़ा हो गया, कितना टेढ़ा हो गया बने एंगल ऑफ थीटा, ये लंबाई 50 सेंटीमीटर है, ये कितनी है डेल्टा एल है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसमें क्या करना है, लंबाई आपकी 50 सेंटीमीटर है, फोर्स की वैल्यू आपने इसमें लगा दी, ईटा आपको पता है, ईटा क्या होता है फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, यहाँ से सॉल्व करके क्या आ गया डेल्टा एल आ गया।
डेल्टा एल फोर्स आपको पता है, एल आपको पता है, ईटा और एरिया आपके पास आंसर आएगा। प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर आपको जो थीटा की वैल्यू है, इसमें थीटा की वैल्यू कैसे पुट करनी है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, ईटा का फोर्स बाय एरिया बाय थीटा होता है, थीटा बस, थीटा ऐसे निकलता है, थीटा डेल्टा एल बाय एल, टेन थीटा निकाल दिया, डेल्टा एल बाय एल। तो ऐसे क्वेश्चन में थीटा को क्या पुट करते हैं, डेल्टा एल बाय एल, टेन थीटा की वैल्यू ही थीटा होती है। तो इसमें नेक्स्ट इस कुछ नहीं आएगा इसमें से। नेक्स्ट है फ्लूइड प्रेशर। प्रेशर मैंने एक्सेस में करवाया हुआ था, वैसे बहुत प्रेशर करवाया मैंने, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती एनसीईआरटी में, वो इसलिए करवाया जाता है कि प्रेशर का कोई, क्योंकि प्रेशर ना कहीं कहीं आने वाले चैप्टर में फ्लूइड में कहीं भी यूज हो जाता है, तो फिर मुश्किल होती है स्टूडेंट को, तो इसलिए प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। आप सीधा आए पहली डेफिनेशन यहाँ से, ये ऑब्जेक्टिव में मार्क करने को आ सकता है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है, पॉइंट के ऊपर, वो डेल्टा एफ बाई डेल्टा ए, लिमिट अप्रोचिंग टू जीरो का मतलब इट इज अ पॉइंट, डेल्टा ए अप्रोचिंग टू जीरो का डेल्टा ए बहुत छोटा है, हमने कैलकुलस में किया था, इसको डी ए लिख सकते हैं, ये किसी पॉइंट का प्रेशर है, डेफिनेशन ये याद रखनी है। पास्कल लॉ आ सकता है, व्हाट इज पास्कल लॉ और इसकी एप्लीकेशन और उसका न्यूमेरिकल। पास्कल लॉ में आपने डायग्राम बनाना है, आपने ये लिखना है, इट स्टेट्स दैट किसी भी एनक्लोज्ड फ्लूइड के अंदर प्रेशर किसी भी पार्ट पे अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो वो पूरे जो पूरा बॉडी है उसके ऊपर अनडिमिनिश्ड, बिना कम हुए ट्रांसफर हो जाता है। एग्जाम्पल लिख देना, जैसे यहाँ का फोर्स एफ है, एरिया ए है, तो फोर्स बाय एरिया, यहाँ का प्रेशर एफ बाय टू बाय ए बाय टू, यहाँ का प्रेशर टू एफ बाय टू ए, तो प्रेशर की वैल्यू तीनों में एग्जैक्टली सेम है, ये याद रखना। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, एप्लीकेशन में हाइड्रोलिक लिफ्ट आएगी, कि आपने एक भारी सामान को उठाना है, आपके पास फोर्स कम है, आप उठा सकते हैं, कैसे, यहाँ पे फोर्स क्या होगी, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा एफ बाय ए, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा कैपिटल एफ बाय कैपिटल ए, तो दोनों तरफ प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी एग्जैक्टली सेम, ये आपकी अप्लाइड फोर्स है छोटा एफ, और ये आपकी ट्रांसफर्ड फोर्स है बड़ी एफ, तो बड़ी एफ छोटे एफ से बड़ी होकर आएगी। तो आपने डेफिनेशन लिखनी है, डायग्राम बनाना है और ये लिखना है। जैसे क्वेश्चन आएगा, एक कार है, एक कार के अंदर हमने छोटा जो ये छोटा पिस्टन लिया, इसका जो रेडियस है वो पाँच है, 5 सेंटीमीटर है, और फोर्स मैंने क्या लगाई एफ वन, बड़े तरफ का रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर रेडियस का मतलब एरिया क्या है पाई आर वन स्क्वायर ए वन आ गया, दूसरे का पाई आर टू स्क्वायर ए टू आ गया, एफ वन पता है एफ टू निकालना है, तो एफ वन बाई ए वन इज इक्वल टू एफ टू बाई ए टू, यहाँ से सॉल्व करके एफ टू की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, एक सेकेंड, नेक्स्ट जो है वो है प्रेशर, प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। तो इसके अंदर जैसे एक वेट ऑफ द लिक्विड है और वो फ्लोर के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, कितना प्रेशर लगा रहा है एच रो जी याद रखना। नेक्स्ट है, अगर लिक्विड के अंदर कोई भी दो पॉइंट्स है ए एंड बी, तो ग्रेविटी का असर है इसमें, अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स में प्रेशर का डिफरेंस भी क्या रहेगा एच रो जी, और कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। ये सेम एग्जाम्पल है, जैसे बी और ए दो पॉइंट है, पी बी माइनस पी ए क्या होगा एच रो जी, सेम चीज है। जैसे पी ए माइनस पी बी क्या होगा एच रो जी। जैसे मान लो ये बी पॉइंट है सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर एटमोस्फेरिक प्रेशर लगता है, तो यहाँ पर प्रेशर भी एटमोस्फेरिक है और यहाँ का प्रेशर पी ए है, तो पी ए माइनस पी बी क्या होगा एच रो जी, पी बी की वैल्यू क्या होगी पी एटमोस्फेयर, तो पी ए की वैल्यू पी एटमोस्फेयर प्लस एच रो जी आंसर आ जाएगा। ठीक, इसकी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं आना इसने, कुछ नहीं आएगा, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रेफर कर लेना, सारी चीजें मत करने बैठ जाना, फेलफुल हो जाओगे, बता रहा हूँ पढ़ के।
आर्कमिडीज प्रिंसिपल सुने एनसीईआरटी ने सुने, अपने ऊपर विश्वास रखना, मेरे पे मत रखना, मेरी कोई बात ना मानना, टॉपिक कर लेना, और अगर डाउट है तो टीचर से पूछना व्हाट्सएप करके, प्रूफ करने की नहीं करना बस। मैं दो लाइन में ख़त्म कर देता हूँ। आर्कमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली दो तरीके से यूज़ करते हैं। पहला, मान लो आपकी बॉडी तैर नहीं रही, पूरी की पूरी लोहे का पीस आपने इमर्स कर दिया, तो इसमें अगर हवा में वेट W1 है और पानी में W2 है, तो देयर इज लॉस इन वेट। तो जो लॉस इन वेट है वही वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा और वही अप थ्रस्ट होगा। पहली डेफिनेशन, अप थ्रस्ट और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एक ही बात होती है। दूसरा केस है, अगर बॉडी तैर रही है, उसका वी डैश वॉल्यूम ऊपर है और वी माइनस वी डैश नीचे है, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड जो कि क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, दिस मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होल वेट ऑफ द बॉडी क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। ये दो डेफिनेशंस आपने याद करनी है। इसके अंदर ये मेंशन किया गया आर्कमिडीज के अंदर कि अगर आपके पास कोई बॉडी इसके अंदर इमर्स्ड है, तो लिक्विड का ऊपर वाला हिस्सा इसके ऊपर F1 फोर्स लगाएगा और नीचे से F2 लगाएगा। ये हाइट h है और ये हाइट x है। यहां पे प्रेशर लगेगा x रो जी, यहां पे लगेगा x प्लस h रो जी। तो यहां पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, P1 इंटू एरिया, यहां पे P2 इंटू एरिया। ये देखो, तो मैंने इसमें x रो जी इंटू एरिया और नीचे प्रेशर क्या है, x प्लस h रो जी इंटू एरिया। नीचे का प्रेशर बड़ा है, फोर्स बड़ी है ऊपर की फोर्स से, नेट फोर्स ऊपर की तरफ है, तो नेट फोर्स को क्या बोलते हैं, अप थ्रस्ट। तो नीचे की फोर्स माइनस ऊपर की फोर्स, ये आ गई। एरिया इनटू एच वॉल्यूम है, तो अप थ्रस्ट क्या आ गया, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो ये प्रूफ है कि जो अप थ्रस्ट होता है वही वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है। और आर्कमिडीज कहते हैं कि लॉस इन वेट इज अप थ्रस्ट या वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एक ही बात है। तो यहां तक आपने इसको प्रूफ करके आना है। इसका एक स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है आइसबर्ग वाला। आइसबर्ग वाले प्रॉब्लम में वो कहता है कि जो मान लो एक वाटर है और आइस है, तो एक आइस तैर रही है पानी के अंदर, इसमें जो टोटल वॉल्यूम वी है, यहाँ का वॉल्यूम वी डैश है, यहाँ का वी माइनस वी डैश है, क्योंकि ये तैर रही है, तो कितना परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम हवा में है ये निकालना है। हवा में कितना वॉल्यूम है वी डैश, तो फ्रैक्शन कितना हवा में है, वी डैश बाई वी फ्रैक्शन है। तो इसके अंदर ये जो पोर्शन है ये क्या है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ सी इंटू जी, ये आपके पास वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है। और होल वेट के अंदर, होल वेट के अंदर टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ आइस इंटू जी। तो दिस इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी, जी से जी कैंसिल, यहाँ से वी डैश बाई वी की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। तो आर्कमिडीज का ये एक फेमस क्वेश्चन है, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इसके बाद ये देखना है कि इस टाइप की प्रॉब्लम अगर बाय चांस आ जाए तो आपको इस ट्यूब में लिक्विड रेस्ट पे दिखाई देगा, तो आपने एक ही लॉजिक लगाना है, यहां का प्रेशर प्लस यहां का प्रेशर इज इक्वल टू यहां का प्रेशर प्लस यहां का प्रेशर। यहां का प्रेशर क्या है, एच रो जी फॉर स्पिरिट, प्लस यहां का प्रेशर क्या है, एच रो जी फॉर मरकरी इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर क्या है, एच रो जी फॉर मरकरी, प्लस यहाँ का प्रेशर क्या है, एच रो जी फॉर वाटर। तो इन्हें इक्वेट करके जो निकालना आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट है इसमें ये मिक्सचर मिक्सचर ये सब कुछ नहीं आना है, इसमें से ये वाला पोर्शन ये कुछ नहीं आना। ये कुछ नहीं आना है इसमें से, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रेफर करना प्लीज, ये मत करना, प्रेशर बहुत ज्यादा करा रखा है मैंने। वैसे बैरोमीटर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, मैनोमीटर गैस के प्रेशर को मेजर करता है। एक बार जाते हुए नजर मार लेना, एनसीईआरटी करोगे, पर वैसे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आने वाली चीज नहीं है इसमें। ये सब कॉम्पिटिशन वाला पार्ट है, प्रेशर में कॉम्पिटिशन वाला पार्ट ज्यादा दिखेगा, एनसीईआरटी बहुत लिमिटेड है, जो मैंने बताया वैसी सी आती है। नेक्स्ट, पूरे प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी बनते हैं। एक क्वेश्चन इलास्टिसिटी पे आना है, कोई कॉन्सेप्चुअल रबर स्टील वाला, एक उसका न्यूमेरिकल आना है, उसके बाद फिर आर्कमिडीज ये प्रेशर के ऊपर बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट आएगा, बहुत बड़ा नहीं आएगा,
तीसरा जो है स्टोक्स लॉ आएगा, टर्मिनल वेलोसिटी आएगी, नेक्स्ट जो टॉपिक है बर्नौली ने तो आना ही आना है पक्का, उसके बाद एक्सेस प्रेशर ने आना है बबल या ड्रॉप में, एसेंट फॉर्मूला ने आना है, बहुत है यार, एक न्यूमेरिकल सरफेस टेंशन का आना है, 8 क्वेश्चन थोड़ा दे देगा वो आपको, और बाकी फिजिक्स में तो कुछ देगा। तो ये मेन मेन क्वेश्चन जो मैं समझता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने चाहिए, तो मैं इस रिवीजन के अंदर वो मेन मेन क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ। आपने थोरो जो स्टडी कर रहे हैं वो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही स्टडी करनी है, क्योंकि अभी एक बार आपने कर लिया वो कर लिया, जो छूट गया वो छूट गया, है ना, जो मैक्सिमम कर सकते हो उसमें कर लो, अभी तो फिर भी टाइम है कुछ रिवीजन करने का। तो विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है किसी भी लिक्विड की, कि लिक्विड अपने आप को फ्लो करते हुए रेजिस्ट करता है, रोकता है, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस करते हैं अपने अंदर, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं विस्कोसिटी। तो अगर मान लो लिक्विड मूव कर रहा है और लेयर्स की फॉर्म में मूव कर रहा है, ये लेयर्स हैं, तो यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला याद रखना है माइनस ईटा ए डीवी बाई डीएक्स, ये फॉर्मूला याद रखना। इसके अंदर ईटा कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो पूछी जाती है इसमें। इसके अंदर ये पूछा जाता है कि अगर मान लो ये एक फिल्म है, नीचे ऑयल की फिल्म है, और यहाँ टेंशन टी है, ये टेंशन टी है, ये पूरी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.085 मीटर पर सेकंड, ये गिवन है आपको, गिवन है ये वेलोसिटी आपको कांस्टेंट गिवन है। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का मतलब यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है एफ, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टी किसके इक्वल है, एफ के, तो एक्सेलरेशन तो है नहीं ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और टी की वैल्यू आएगी क्या, टी की वैल्यू आएगी 0.01 जी। तो यहां पर 0.01 जी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ईटा ए डीवी डिवाइडेड बाय डीएक्स, ऐसे होगा। ईटा आपको निकालना है, एरिया ऑफ, एरिया आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, एरिया ये रहा, एरिया आपको गिवन है, ईटा आपको निकालना है, यहां की वेलोसिटी जीरो है, यहां की वेलोसिटी गिवन है, तो इनको माइनस करके डीवी की वैल्यू आ जाएगी जो कि इटसेल्फ 0.085 होगी, और डीएक्स थिकनेस आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 0.3 mm, ये डीएक्स है। सारी वैल्यू पुट करके ईटा निकाल लेना, यूनिट्स मीटर में कन्वर्ट कर लेना जो करना है आपने। तो एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जिसमें ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसके बाद नेक्स्ट है पॉइसनीज फॉर्मूला। पॉइसनीज फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली अगर उस ट्यूब के अंदर लिक्विड मूव कर रहा है तो आपको वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड बताना है लिक्विड का क्या होगा उस ट्यूब में। तो फॉर्मूला है पाई बाय 8 पीआर 4 बाय ईटा एल, फॉर्मूला याद करना है इसमें आपको। नेक्स्ट इसमें आपको क्या करना है, इसमें अगर मान लो डेरिवेशन आती है पॉइसनीज फॉर्मूला की, तो आपने यूनिट्स एंड डायमेंशन से प्रूव करनी है। तो आपने बोलना है वॉल्यूम फ्लोइंग पर, आपने बोलना है इसमें जो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू ईटा रेज टू पावर ए, इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस रेज टू पावर बी, इज प्रोपोर्शनल प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है प्रेशर पर यूनिट लेंथ पावर सी। ऐसे क्वेश्चन में यूनिट एंड डायमेंशन में भी करते थे, तो एबीसी निकाल देना आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट जो लॉ है उसको बोलते हैं स्ट्रोक्स लॉ। अगर आपके पास एक स्फेयर है और स्फेयर किसी लिक्विड में गिर रहा है और कोफिशिएंट विस्कोसिटी ईटा, तो स्फेयर पे लिक्विड फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा जिसका फॉर्मूला 6 पाई ईटा आर वी, प्रूफ करने को आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, एफ प्रोपोर्शनल टू ईटा रेज टू पावर ए, प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू पावर बी, प्रोपोर्शनल टू वी रेज टू पावर सी, कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके ए बी सी 111 आएगा और ये आंसर आ जाएगा 6 पाई ईटा आर वी आंसर। तो स्ट्रोक्स लॉ उसका प्रूफ यूनिट्स एंड डायमेंशन से होगा। नेक्स्ट है टर्मिनल वेलोसिटी। किसी भी बॉडी को लीक करा तो वो एक्सेलरेट करेगी और बाद उसकी कांस्टेंट हो जाएगी, उस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी। इसका जो वेट डब्ल्यू है, ऊपर की फोर्स पर क्या लग रही है, यू लग रही है, और एक और फोर्स लग रही है एफ, और नीचे की फोर्स क्या लग रही है, डब्ल्यू। तो अब अपथ्रस्ट पुट करना वी इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, और विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर इंटू वी, और वेट का मतलब वी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी ऐसे। और क्योंकि वेलोसिटी टर्मिनल है कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन तो में होगी नहीं, ऊपर और नीचे की फोर्सेस को इक्वेट कर देना, वॉल्यूम की जगह पुट कर देना 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, यहां भी वॉल्यूम की जगह, ये टर्मिनल वेलोसिटी है सॉरी, वॉल्यूम की जगह 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, तो यहां से सॉल्व करके टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो शायद आपने बुकलेट के अंदर में हाथ से लिखवाया भी था, उसमें लिखा होगा आपने इसमें। ठीक
ठीक है, तो टर्मिनल के ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो एक ही न्यूमेरिकल आता है स्टैंडर्ड, वो ये न्यूमेरिकल है कि अगर आपके पास छोटे छोटे ड्रॉप्स कंबाइन होके बड़ा ड्रॉप बन गया, तो आठ छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, जब बड़ा ड्रॉप बनेगा सबसे पहला काम उनका वॉल्यूम इक्वेट करके रेडियस का रेशियो निकाल लूँ। छोटे ड्रॉप का रेडियस एक है तो बड़े ड्रॉप का दो आ जाएगा। फिर छोटे ड्रॉप की टर्मिनल पाँच है, 5 सेंटीमीटर पर से, बड़े ड्रॉप की क्या होगी, ये क्वेश्चन है। टर्मिनल का फॉर्मूला लिख लें, टर्मिनल का ये फॉर्मूला है, इसमें जो पहली डेंसिटी है वो बॉडी की है जो नीचे गिर रही है, और यहाँ पर कौन नीचे गिर रहा है, पानी का ड्रॉप, तो पहली डेंसिटी पानी की और दूसरी डेंसिटी किसकी, एयर की, मीडियम की। मीडियम क्या है इसमें, पानी किस में गिर रहा है, एयर में। तो टर्मिनल डिपेंड्स अपॉन रेडियस रेज टू पावर 2, तो टर्मिनल की वैल्यू 5 है जब रेडियस 1 है, टर्मिनल इसमें निकालनी है जब रेडियस इसमें 2 है, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी से आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें जाते हो इसकी नजर जरूर मार लेना, एनसीईआरटी बुकलेट में है ये, मेरे ख्याल से क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है ऐसा प्रूफ करने का, पॉइस लीस के ऊपर। ये तो कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, ये करने की जरूरत नहीं है यार, ये सब कॉम्प्लेक्स है। फ्लूड फ्लो, देखो फ्लूड फ्लो के अंदर आपको दो किस्म के फ्लोज गिवन है। जब लिक्विड फ्लो करता है तो दो तरीके से फ्लो करता है, एक जो करता है वो है टर्बुलेंट फ्लो, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन और आराम से मूव करना, तो अगर कोई पानी का ड्रॉपलेट ऐसा ये रास्ता फॉलो कर रहा है, इस रास्ते को स्ट्रीमलाइन बोलते हैं, ज़िगज़ैग नहीं जा रहा, एक ही रास्ता फॉलो कर रहा है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट आपको वहां की वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा, तो ये इसकी स्ट्रीमलाइन फ्लो है। स्ट्रीमलाइन फ्लो और एक टर्बुलेंट है, पानी का मिक्स हो के बाहर निकलना इज अ टर्बुलेंट फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो के बीच में एक वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। अगर आपकी पानी की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है तो फ्लो टर्बुलेंट है, और अगर कम है तो स्ट्रीमलाइन है। इसका काम है, क्रिटिकल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, अगर पूछ ले व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी तो लिख देना क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी लिक्विड की इससे बड़ी है तो टर्बुलेंट है, कम है तो स्ट्रीमलाइन। डिसाइड करने के काम आती है कि किस टाइप का फ्लो है, और वो पूछेगा डराइव करो एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी, तो यूनिट्स एंड डायमेंशन से ही होना है। तो लिख देना क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन ईटा रेज टू पावर ए, डेंसिटी रेज टू पावर बी, डायमीटर ऑफ द पाइप रेज टू पावर सी। फिर यूनिट्स एंड डायमेंशन जब करेंगे तो ये आंसर आएगा। फिर ऐसे रेनॉल्ड्स नंबर याद करके जाना, रेनॉल्ड नंबर एक नंबर है जो ये बताता है कि आपका फ्लो कैसे है, स्ट्रीमलाइन या टर्बुलेंट है। तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला रो वी डी बाई ईटा, तो अगर आपका फ्लो, अगर मान लो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू का एक्सप्रेशन आ जाए फिर से, तो फिर से यूनिट एंड डायमेंशन से कर सकते हैं, लेकिन आता नहीं है ये। रेनॉल्ड्स नंबर 0 और 2000 के बीच में है तो फ्लो स्ट्रीमलाइंड है, 2000 से ऊपर, 3000 से ऊपर तो टर्बुलेंट है, और अगर बीच में है तो कुछ भी हो सकता है, ये याद रखना है। इसमें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंगली A1 V1 is equal to A2 V2, वॉल्यूम एंट्रिंग वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकेंड की वैल्यू क्या रहेगी, एग्जैक्टली सेम। तो ये याद रखना है, इसमें बर्नौलीज ने आना ही आना है। बर्नौलीज की डेफिनेशन ऐसे रखनी है कि जब कोई पाइप में लिक्विड फ्लो करता है तो टोटल एनर्जी, दैट इज सम ऑफ प्रेशर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड इन अ स्टेडी फ्लो पाइप रिमेन्स कॉन्स्टेंट प्रोवाइडेड उसमें सिंक या सोर्स ना हो। तो आपने इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल पर यूनिट मास, प्रेशर पर यूनिट मास की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। इसका प्रूफ लिखना है आपने, प्रूफ में डायग्राम बनाना है, थोड़ा सा फॉर्मल लिखना पड़ेगा कि लेट अस सपोज लिक्विड इज एंटरिंग एट पॉइंट ए, वेयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A1, कमिंग आउट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, हाइट H1 H2, प्रेशर P1 P2, थोड़ा भर देना है ऐसे ना लगे कि हाँ बर्नौली चल रही है, अंदर तो दो लाइन की है, इसमें कुछ करना नहीं है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 V1 A2 V2, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो मास एंटरिंग मास कमिंग आउट पर सेकंड विल रिमेन सेम, तो इनकी टर्म किसके इक्वल है, m, वेयर m इज मास, नहीं मास फ्लोइंग पर सेकंड। तो a1 v1 a2 v2 की वैल्यू क्या आ गई, m बाय रो, इसको बाद में यूज करेंगे। असली चीज इसमें ये है, टर्न ऑन द फ्लूइड बाय प्रेशर एनर्जी पर सेकंड। तो प्रेशर एनर्जी ने कितना काम करना है, देखो मैंने आपको बताया था फोर्स इनटू वेलोसिटी पावर होती है, पावर क्या होता है, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। तो प्रेशर एनर्जी कि फॉर्म में वर्क डन क्या आएगा, प्रेशर इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी, फोर्स की जगह प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर एनर्जी ने कितना काम किया, पी इनटू ए इनटू वी। तो नीचे प्रेशर ज्यादा है ऊपर प्रेशर कम है, तो नेट प्रेशर क्या होगा, नेट प्रेशर एनर्जी ने इतना काम किया, पानी को एंटर करवाया और बाहर निकाल दिया, दिस इज द नेट प्रेशर एनर्जी पर सेकेंड। दिस विल इंक्रीज, दिस विल चेंज काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस mg
एच टू माइनस एम जी एच वन, ऐसे। इंपॉर्टेंट ये है, जब आप प्रेशर जी का वर्क डन निकालेंगे तो पी वन वाली टर्म आगे, पी टू बाद में, क्योंकि प्रेशर इनिशियल ज्यादा होगा बाद में कम, तो पानी तभी ऊपर चढ़ेगा, नीचे का प्रेशर ज्यादा करना है। लेकिन जब आप चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल निकालेंगे तो टू वाली टर्म आगे और इधर भी टू वाली, हाँ, तो ये ऐसे करना है तो आंसर आएगा। इन्हें ओपन कर लें, ओपन करके वन वाली टर्म लेफ्ट पे, टू वाली टर्म राइट पे, तो आपके पास बर्नौलीज अपने आप प्रूव हो जाएगी। तो ये बर्नौलीज थ्योरम है। बर्नौलीज थ्योरम में पी बाय रो जी को प्रेशर हेड बोलते हैं, वी स्क्वायर बाय टू जी को वेलोसिटी हेड बोलते हैं, एच को एलिवेशन हेड बोलते हैं, पता होना चाहिए। इसके अंदर बर्नौलीज के अंदर एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, एक एरोप्लेन वाली और रूफ टॉप वाली, ये वाली बर्नौलीज या उसका न्यूमेरिकल अन है। एक एरोप्लेन है, टेस्ट एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसके ऊपर, आपको वेलोसिटी की वैल्यू नीचे और ऊपर गिवन एरोप्लेन के 70 और 63। व्हाट इज लिफ्ट ऑन द विंग, लिफ्ट क्या होता है, फोर्स। फोर्स बताओ विंग पे क्या लगेगी, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर इनटू एरिया फोर्स है, तो आपको क्या निकालना है, नेट प्रेशर निकालना है। तो आप एरोप्लेन के नीचे ऊपर बर्नौलीज लगा दें, हाइट को तो हमेशा कैंसिल कर देते हैं, बर्नौलीज में लेना नहीं होता इसमें। तो पी वन माइनस पी टू एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, तो आपको दोनों वेलोसिटीज गिवन है, आपको डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है। यहाँ से पी वन माइनस पी टू कैन बी कैलकुलेटेड। पी वन माइनस पी टू को विंग के एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। फोर्स को लिफ्ट बोलते हैं, एक ही बात है। उसी तरीके से अगर मान लो एक छत है, आपको ये कह रहा है कि छत के ऊपर की हवा की वेलोसिटी पता है, छत के नीचे तो जीरो है, आपको एरोडायनेमिक लिफ्ट निकालना है। एरोडायनेमिक लिफ्ट का मतलब हवा का लिफ्ट, फोर्स। तो अगेन क्या निकलेगा, प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस को एरिया ऑफ रूफ से मल्टीप्लाई करके फोर्स निकलेगी। तो नीचे ऊपर लगाएं बर्नौलीज, हाइट को मत देखें, पी वन माइनस पी टू निकाल लें, एरिया से मल्टीप्लाई करें, फोर्स आ जाएगी। एक ही कॉन्सेप्ट है इसका, बर्नौलीज का। इसके बाद है एफ्लक्स। एफ्लक्स का मतलब कितनी वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकलेगा होल में से, उस वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स बोलते हैं। तो अगर मान लो ये लिक्विड है, हाइट इसकी एच है, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स निकालनी है। ये हाइट एच है, होल के नीचे की हाइट एच डैश है। एक्स और वाई दो पॉइंट लेंगे, इस पर बर्नौलीज लगाएंगे। एक्स और वाई पे बर्नौलीज लगा दें, हाइट को मत देखें, सेम हाइट पर है। एक्स पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो पता है क्या होगा, पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रोजी, और वाई पॉइंट का सिर्फ एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा। तो एक्स पॉइंट पे ये प्रेशर है, वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी अंदर लिक्विड की ऑलमोस्ट जीरो होती है, तो वी एक्स की वैल्यू जीरो है, बाहर एटमोस्फेरिक प्रेशर है और एफ्लक्स है। सॉल्व करके एफ्लक्स अपने आप आ जाएगा। फिर आपको निकालना है रेंज। रेंज के लिए आप इसमें लगाएंगे एच डैश इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, प्रोजेक्टर का कॉन्सेप्ट है। एच डैश इज जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और आर के लिए एस इज इक्वल टू बी टी। देखो एच डैश इज जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से टाइम आ गया, और क्योंकि रेंज एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है तो एस इज इक्वल टू वी टी। एफ्लक्स हम निकाल चुके हैं, टाइम हम निकाल चुके हैं, मल्टीप्लाई करके एफ्लक्स आ जाएगा। इसके अलावा एफ्लक्स को कुछ करने की जरूरत नहीं है, एफ्लक्स का टॉपिक बहुत डिटेल में नहीं आता आपके पेपर में, भाई इतना ही आता है, कुछ नहीं करना आपने। ठीक, एनसीईआरटी करनी हो तो कितनी छोटी हो जाती है आप इमेजिन कर सकते हो, बस इतनी की रहती है। ठीक, सरफेस टेंशन,
सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी है लिक्विड की कि कोई भी सरफेस स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा, एरिया मिनिमाइज करेगा। सरफेस टेंशन क्या है, तो ये सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है पहला, ये याद करना है इसमें। नेक्स्ट इसमें क्या करना है, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला है सरफेस एनर्जी इज वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो दो डेफिनेशंस हैं सरफेस टेंशन की, क्योंकि सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन न्यूमेरिकली इक्वली होते हैं। तो सरफेस टेंशन को डिफाइन करने के दो फॉर्मूलाज हैं, पहला फोर्स अपॉन लेंथ और दूसरा वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन एरिया। इसके ऊपर जो प्रोबेबिलिटी है आने की, वो प्रोबेबिलिटी है न्यूमेरिकल आने की। न्यूमेरिकल्स के अंदर स्पेशली ऐसा न्यूमेरिकल कुछ, जैसे ये पहला न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का, जिसमें ये स्लाइडर लगा हुआ है और ये रेस्ट पे है, इसके नीचे वेट लगा हुआ है और यहाँ पर फोर्स है, ये स्लोप की फिल्म है। स्लोप की फिल्म ने इस स्लाइडर को नीचे गिरने से रोका हुआ है, क्योंकि स्लोप की फिल्म कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो सरफेस टेंशन की फोर्स ऊपर है। सरफेस टेंशन की फोर्स क्या होती है, टी इंटू एल, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, और यहाँ पर टू टाइम्स है क्योंकि इधर भी एयर है और इधर भी एयर है, दो फ्री सर्फेसेज हैं तो ट्वाइस आएगा। तो टू इंटू टी इंटू एल क्या होगा, वेट एम जी के इक्वल होगा। तो यहाँ से जो निकालना है आंसर आएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ड्रॉप टूट गए, ड्रॉप बन गया, एनर्जी निकाल लो, वर्क डन निकाल लो, तो एक ही फॉर्मूला है, वर्क डन या एनर्जी का फॉर्मूला टी इंटू चेंज इन एरिया। सिंपल, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया इज इक्वल टू व्हाट, अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है यहां तक। तो इसके अंदर लिक्विड का ड्रॉप है जिसका डायमीटर कैपिटल डी है, ये ब्रेक हो गया 27 ड्रॉप्स में, तो सबसे पहला काम क्या है, वॉल्यूम इक्वेट करके दोनों को रेडियस की रेशियो निकाल लेना। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि इसमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट चेंज इन एनर्जी, तो सरफेस टेंशन को चेंज इन एरिया से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। सरफेस टेंशन को चेंज इन एरिया में छोटे ड्रॉप्स का एरिया ज्यादा होता है बड़े ड्रॉप्स से, ये माइनस कर लेना, स्मॉल आर को ऊपर से निकाल लेना, पुट करके आंसर आएगा। सिर्फ यही नहीं, ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, छोटे छोटे ड्रॉप मिलके बड़ा ड्रॉप बना दिया, इंक्रीज इन टेम्परेचर बोलो क्या होगा, तो पहले वॉल्यूम इक्वेट कर लो, बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम n इंटू छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम, तो आपके पास ये रेशियो आ गई। फिर आपने क्या करना है, एनर्जी रिलीज क्या होगी, सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया में छोटे ड्रॉप्स का एरिया माइनस बड़े ड्रॉप का एरिया, तो यहां से ये होगा क्या, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, इक्वल टू एमसी डेल्टा थीटा, आपको डेल्टा थीटा निकालना है। एम का मतलब मास ऑफ बड़ा ड्रॉप, स्पेसिफिक हीट इंटू डेंसिटी बड़े ड्रॉप की 1 है, स्पेसिफिक हीट भी 1 है वाटर की, डेल्टा थीटा आपको निकालना है। क्योंकि ये हीट है ये कैलोरीज में है और ये एनर्जी जूल में है, इसको जे से डिवाइड करके कैलोरीज में कन्वर्ट कर लेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा थीटा आएगा, 4 पाई कॉमन आएगा, ये टर्म आएगी, इसके अंदर से कैपिटल आर क्यूब इसे और इसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे एन की वैल्यू ऊपर से वॉल्यूम से जो निकाली पुट करके आंसर आएगा। हेंस प्रूफ वाला क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, कैसे तैसे करके कर ही लेंगे ना, छोड़ के कुछ नहीं आ रहा, हेंस प्रूफ तो पक्का ही करके आना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें, नेक्स्ट में ना ये भी इंपॉर्टेंट है, लिक्विड ड्रॉप और बबल का एक्सेस प्रेशर निकालना। मान लो एक्सेस प्रेशर पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड एटमोस्फेरिक पी है, तो एक ही रूल है इसमें, थोड़ा देखो ये ना करना पड़ेगा आपको इसमें, मतलब 3 नंबर के लिए, कि पी इनसाइड माइनस पी एटमोस्फेरिक पी एक्सेस प्रेशर है और रेडियस आर से आर प्लस डेल्टा आर इंक्रीज हो गया, तो आपने क्या करना है, इसमें जो फोर्स है देखो ना, तो इसमें क्या हुआ, जो आपने फोर्स लगाई इसको बड़ा करने के लिए ड्रॉप, कितनी लगाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, क्योंकि आर से आर प्लस डेल्टा आर रेडियस हो गया तो डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट है। प्रेशर ने इनसाइड के एक्सेस प्रेशर ने फोर्स लगाई कितनी, प्रेशर इंटू एरिया, और एनर्जी क्या हो जाती है, सिग्मा इंटू इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया में नया एरिया माइनस पुराना एरिया, इसको ओपन करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करके, ये टर्म निगलेक्टेड है बिकॉज डेल्टा आर स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल, सॉल्व करके अपने आप पी की वैल्यू एक्सेस प्रेशर की आ जाएगी 2 सिग्मा बाय आर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन बबल में आएगा, सब कुछ सेम है, राइट साइड को ट्वाइस से मल्टीप्लाई करना क्योंकि बबल के अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है, तो 2 फ्री सर्फेसेज हैं, तो आंसर के अंदर भी 2 का फर्क पड़ेगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, एसेंट फॉर्मूला। एसेंट फॉर्मूला में आपने एक ट्यूब लेनी है, ये एटमोस्फेरिक ये डायग्राम बनाना है, ये फ्लैट सरफेस है तो ये पी एटमोस्फेरिक प्रेशर है, ये मेनिस्कस है इसका तो यहाँ का प्रेशर थोड़ा सा कम है, पी एटमोस्फेरिक माइनस 2T/R, यहाँ प्रेशर ज़्यादा यहाँ कम, तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया जिससे एक लिक्विड ऊपर चढ़ा गया। कब तक ऊपर जाएगा, जब तक इन दोनों का प्रेशर सेम नहीं हो जाता, तो इसका प्रेशर पी एटमोस्फेयर है,
इसका प्रेशर इतना है लेकिन इसका प्रेशर ज्यादा है इसका कम है, तो ये एच लो जी ऊपर चढ़ गया, ताकि दोनों का प्रेशर सेम हो जाए, सॉल्व करके एच की वैल्यू आ गई। इसमें कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस नॉट ट्यूब, यहां नहीं छोड़ना, आगे करना है, फिर ये डायग्राम बनाना है। मेनिस्कस का रेडियस कैपिटल आर है और ट्यूब का स्मॉल आर है, कॉस थीटा स्मॉल आर बाई कैपिटल आर है, तो आप इस फॉर्मूले में कैपिटल आर को स्मॉल आर बाई कॉस थीटा पुट करके यहां तक ड्राइव करके आएंगे। तो दिस इज हाइट अटेन बाय अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, इसको सेंट फॉर्मूला बोलते हैं। इसमें अगर ट्यूब इनसफिशियंट लेंथ की है तो ये फॉर्मूला लिख दें, इस फॉर्मूले में एच और आर एक तरफ, बाकी टर्म्स कॉन्स्टेंट है, तो लिख दें एच इंटू आर इज अ कॉन्स्टेंट। अगर आपकी हाइट छोटी है तो मेनिस्कस का रेडियस बड़ा है, और अगर हाइट बड़ी है तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस छोटा है, ये रूल है। प्रॉपर्टीज पढ़ के जानी है आपने, सॉल्यूट डालने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सरफेस टेंशन कम होती है, ये प्रॉपर्टीज आपने इसमें पढ़ के जानी है और सफिशियंट है।